हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो भाई सारे दोस्त? बिल्कुल बिंदास तरीके से जुड़ जाओ, जैसा कि सब दोस्तों को आपको बोला था बच्चे, बहुत ही बिंदास और बहुत ही गजब के ढंग से आज आपको एसएससी का पेपर करवाया जाएगा। किस तरीके से सीजीएल का पेपर आएगा, हाँ कैसे सब दोस्तों को सोचना है, बिल्कुल बिंदास तरीके से कैसे फेंक फेंक के मारना है, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है ना, सारे दोस्त जुड़ो भाई, मैक्सिमम क्लास को शेयर कर दो, एक बार आवाज वगैरह सब आ रही है क्या? ओके, ये लिख दो। बिल्कुल बिल्कुल बिंदास तरीके से, सोनू पुरी है, स्नेहा है, पृथ्वीराज चौहान है, बिल्कुल भाई अंजलि तोमर है, सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, अनीता शर्मा है। वहां पे अनकेडमी मैसेज कर देना कि आज 8 बजे क्लास यहाँ हो रही, कभी वो वहां ढूंढते रहे। सारे के सारे दोस्त मैक्सिमम कर देते हैं आगाज, मैथ्स मैजिक पर आपका। चलिए, ये कर दिया मैंने क्लास को लाइक बच्चे, और कर देते हैं स्टार्ट। सही है ना भाई, कर देते हैं स्टार्ट। आवाज वगैरह सब सही आ रही है? एक बार चेक कर लूं, आवाज वगैरह ठीक आ रही है ना? बिल्कुल। तो सारे दोस्तों को पता है बच्चे, अब हम करते हैं शुरुआत। ये आपका टॉप बैचेस, बिल्कुल बच्चे बिंदास तरीके का बहुत ही गजब का बैच, जिसमें आपको बताया हुआ था टॉप एजुकेटर का टॉप बैचेस 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। उसमें अपनी मैथ्स की जो क्लास रहती है वो 10 AM पे, मैथ्स की जो क्लास रहेगी वो 10 AM पे, 10 AM पे रहेगी बच्चे। आज सैटरडे और संडे को नहीं है, शनिवार और संडे को नहीं है, बाकी पूरे वीक में 10 AM पे क्लासेस हैं, जिसके अंदर आपका यूपीएसआई का, एसएससी सीजीएल टीयर 1 लेवल का, एसएससी सीजीएल टीयर 2 लेवल का मैथ्स बहुत ही बिंदास तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है भाई, और सारे दोस्तों को इस बात का ज्ञान है, सारे दोस्तों को। जैन जैन जी, बिल्कुल बच्चे अपूर्वा गुप्ता, हाँ बिल्कुल बच्चे गुरु जी, यहाँ तो बिल्कुल, यहाँ भी बारिश आ रही है बच्चे। कल मैंने बोला था यहाँ बारिश भेज देना, आप कितने गजब के स्टूडेंट हो, भगवान से आपने दरखास्त लगाई होगी, यहाँ पे बारिश आ गई है। बिल्कुल यहाँ पे भी बारिश भेज दी आपने। ये टॉप बैच बच्चे, आप इसके लिए क्या करेंगे, लांबा 10 कोड का यूज करेंगे, LAMBA, लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे, और 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। तो उसके अंदर आप किसी भी टीचर से क्लासेस ले सकते हैं, चाहे वो आपका इंग्लिश है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो जीएस है, चाहे वो मैथ्स है, और ऐसा नहीं कि एक टीचर, अलग अलग टीचरों से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बिंदास तरीके से आपको बताया जाएगा, बहुत ही बिंदास तरीके से सिखाया जाएगा, बहुत ही गजब का ऐप है ये अनअकैडमी ऐप। 18 अगस्त, 18 अगस्त 2021 से ये जो बेस्ट स्टार्ट हो रहा है, 9 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा, वीकली क्विज रहेगा, मॉक टेस्ट, डेडिकेटेड सेशन, किसी भी टीचर से आप क्लासेस ले सकते हैं। ये आपका सीटी का जो है, मतलब 2022 से रेलवे, एसएससी और बैंक का जो कॉमन एग्जाम की बात चल रही है उसके लिए ये भी बहुत बिंदास, आप किसी भी टीचर से क्लासेस ले सकते हैं 18 वाले में लांबा 10 कोड का प्रयोग करके, चाहे सीएचएसएल है, चाहे सीजीएल है, ये भी 18 अगस्त से किसी भी टीचर। ये कितना फायदा है, एक बैच में आप कितने भी टीचरों से क्लासे लो। चलिए बच्चे, डाउट बाय अनअकैडमी, कोई भी डाउट है, डाउट को कैसे फेंक के मारना है, कोई भी डाउट है बच्चे, डाउट को कैसे फेंक के मारना है सब दोस्तों को पता है। डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाएंगे, हाँ वहां पे इमेज लेके उसको क्रॉप करके और वहां पे चूज करके फेंक देंगे, वो आपका कंसेप्ट आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ये ऐसे ऑफर है बच्चे, अनअकैडमी प्रोफिस ऑफर है, 1 साल वाले में 3 महीने एक्स्ट्रा 5850 रुपए, 2 साल वाले में 6 महीना एक्स्ट्रा 7020 रुपए, सीटी एग्जाम के लिए 1 साल वाले में 6 महीने एक्स्ट्रा 8000 रुपए, 2 साल वाले में 12 महीना 10000 रुपए। बोलो भाई सहमत हो, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, ये एसएससी, ये गजब का बच्चे। संडे का टेस्ट तो 12 PM होता ही होता है, और 22 अगस्त को आ रहा है बच्चे एसएससी का कॉम्बैट, इसके अंदर गजब के इनाम है, सारे दोस्तों को जुड़ना है 22 अगस्त को, 1000 लकी, इनमें आपका याद रखना सबसे मैक्सिमम आपकी परसेंट होनी अति आवश्यक है बच्चे। ठीक है ना, सब दोस्तों को जुड़ना है, लांबा 10 कोड का प्रयोग करना है, LAMBA। अब आपकी ये पहचान है, जिसे कोड होता है आर्मी में, ठीक है ना, हर जगह कोड होता है, वैसे आपका कोड अनअकैडमी पर लांबा 10 है। चलिए बच्चे, सारे दोस्त बताइए, 24 मंथ्स का 76% ऑफ, 7800 325 रुपए पर मंथ, 12 महीने का 60% ऑफ, 6500 रुपए 542 रुपए पर मंथ, 6 महीने का 33% ऑफ, 5400 रुपए 900 रुपए पर मंथ। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, बिल्कुल आज आगाज करते हैं, बहुत ही गजब का ये लांबा 10 मैथ राजेश लांबा, बिल्कुल बिंदास तरीके से 8:10-11 पे शुरुआत करते हैं। हाँ सर गुरु जी, काली चाय पी लो। अरे नहीं यार, काली चाय तो बिल्कुल आपके, हाँ सनी आपका रिश्ता हो जाएगा इंस्पेक्टर बनने के बाद, आपकी जब शादी होगी तब, आपके घर जब शादी में आऊंगा तब पहले काली चाय पियेंगे बच्चे, फिर मिठाई खाएंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई, लांबा सर का दीवाना भागीरथ, बिल्कुल ये सोनूपुरी भी लेके आएगा काली चाय, और गाड़ी में लेके आए शाबाश अपूर्वा गुप्ता,
मुझे ही शेयर किया, सबने सबने पांच पांच दोस्तों तक शेयर कर दिया ना भाई, सबने पांच पांच दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दिया। सर जी प्रणाम, सुबह सुबह मार्गदर्शन ने पूरा दिन अच्छा रहता। बिल्कुल बच्चे मैंग पंडित बिल्कुल बिंदास तरीके से। हाँ आपका कल वाला कमेंट मेरे को बहुत गजब का लगा। हाँ चलिए बच्चे, गजब का ऐप, गजब के बच्चे, गजब के गुरु लामा, गजब का कंसेप्ट। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, अब वैल्यू किसकी चाहिए किसकी को नंबर वन ट्रेंड में लेके आना है। ये आपका, इसमें आपकी भागीदारी अति आवश्यक है। सारे के सारे दोस्त चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके कर दिया होगा, सारे के सारे, हर एक बच्चा एक बार पांच बार शेयर करके आ जाओ बच्चे, हर एक बच्चा पांच बार क्लास को शेयर करके आ जाओ। अब करते हैं गजब की शुरुआत, फिर करते हैं गजब की शुरुआत। सारे दोस्त बोलो बच्चे, बहुत ही ऐसे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। थोड़ा सा जूम करें इसको, थोड़ा सा जूम करें, अपना नाम तो मिट जाएगा बट नाम बच्चे बोर्ड पे मिटने से नाम थोड़े मिटता, नाम तो दिल में होना चाहिए, ठीक है ना, नाम तो दिल में होना चाहिए। चलिए शुरुआत कर देते हैं, वो है ये बताओ, एक टोकरी में, एक टोकरी में 222 लाल गेंदे हैं, एक लड़का उसमें से 6 लाल गेंद निकालकर उसके स्थान पर 12 सफेद गेंद रख देता है। वह यह काम तब तक करता है जब तक कि सभी लाल गेंद सफेद में प्रतिस्थापित ना हो जाए। टोकरी में रखे गए सफेद गेंद की संख्या क्या है? अगर अन अकेडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट लगाना चाहो, अगर आप अन अकेडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट लगाना चाहेंगे, दो बातें बच्चे, क्या हम अन अकेडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट लगाना चाहेंगे? अगर आप अन अकेडमी क्रैकिंग 6 फ्री हिट लगाना चाहोगे तो आपको पता है 6 गेंद अगर मैं निकालू, सारी लाल गेंद है, अगर मैं 6 रेड बॉल निकालता हूं तो बदले में व्हाइट बॉल की तो नहीं आती है, 12 आती है यानी डबल। अगर 6 रेड बॉल निकालूंगा तो 12 व्हाइट बॉल आएगी, डबल आएगी। इसका मतलब 222 की 222 अगर रेड बॉल निकल जाएगी तो बदले में 444 व्हाइट बॉल आ जाएगी। इसको बोलते हैं अन अकेडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट, डी इज राइट आंसर। बोलो बच्चे, इसको बोलते हैं अन अकेडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट, डी इज राइट आंसर। बोलो हाँ भाई, एक बार सारे बच्चे, यार ये कहां चला गया, एक बार सारे बच्चे हां भर दो भाई, अन अकेडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट, सारे बच्चे हां भर दो। अगर अन अकेडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट की अगर बात करें तो सारे बच्चे बताओ, 6 बॉल जाके 6 लाल गेंद चली जाए, 12 सफेद आ जाती है, मतलब डबल। जितनी लाल बॉल जाएगी सफेद उसका डबल आएगी। सारी बॉल कितनी है, सारी बॉल कितनी है बच्चे, 222 है, तो 222 अगर लाल बॉल जाएगी तो सफेद कितनी आएगी, 444 को बोलते हैं अनअकैडमिक क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट। बोलो फ्री हिट लगाओगे ना, सारे बच्चे कमेंट में बता दो एक अनअकैडमिक क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट फेंक के मारोगे। हाँ शाबाश, बहुत ही बढ़िया। हाँ वैसे अगर वैसे लॉजिक वाइज बात करें तो सबको पता है भाई 222 पूरा भाग तो नहीं, पॉइंट में तो आएगा नहीं, प्रत्येक 6 बॉल जाएगी तो कितने चक्कर हो जाएंगे, 6 3 18, 4 6 7 42, 37 चक्कर हो जाएंगे। और एक चक्कर में 12 बॉल आएगी तो 37 गुना में 12, वैसे ही सोच लो यार, पहले 37 को 6 से भाग किया, ये 37 आया, 12 से गुणा कर डबल कर दो, इसका डबल कर देंगे 444, ऐसे भी सोच सकते हैं 444 बॉल आ जाएगी। बोलो भाई सहमत हो मेरे विचार से, कोई बच्चा मना ना करे। देखिए बच्चे बोर्ड का थोड़ा फायदा भी है थोड़ा नुकसान भी है। अब कितने परसेंट बच्चों ने पिछले क्वेश्चन का सही फेंका, टॉप में कौन बच्चा था, ये चीज हम, हालांकि एक दो बच्चों ने बोला कि सर बोर्ड पे भी काम कर सकते हैं, एक दो बच्चों ने बोला मेरे को कि सर बोर्ड पे भी ये काम कर सकते हैं। हाँ बट अनअकैडमी जो ऐप है उस पर बहुत ही बिंदास तरीके से सुबह सुबह जब क्लास लेते हैं तो बड़ा मजा आता है, आपको पता ही होगा। ये दोबारा यार बंद हो गया था, एक बार दोबारा मैंने स्टार्ट किया है। चलिए भाई हाँ है सब दोस्तों की शाबाश, मैक्सिमम क्लास को शेयर कर चुके हो, सारे बच्चे आंसर फेंकना है, कौन कौन सही फेंकता है। द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20, 1 से 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या आती है, जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, जितने भी 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या आती है उनका जोड़ करो। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वो नंबर जिसके एग्जैक्ट दो फैक्टर हो। प्राइम नंबर वो होता है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके एग्जैक्ट दो फैक्टर हो। पेपर में प्राइम में बार बार क्वेश्चन क्या फेंकता है, सबसे पहला प्राइम, बच्चे 1 मत लिख देना, सबसे पहला प्राइम 2 होता है, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। बताओ ऐसी कितनी प्राइम संख्या जो कि इवन है, ऐसी कितनी अभाज्य संख्या जो कि सम संख्या है, तो उत्तर आएगा 1। कौन है वो 2, कौन है वो 2, याद रखना कितनी है तो 1, कौन है वो 2 आएगा। पेपर वाले ने बोला कि आपको 1 से लेके 20 तक जितनी भी प्राइम है उन सब अभाज्यों का जोड़ करना पड़ेगा। किस किस बच्चे ने, एक बार मैं आपका कमेंट देख लेता हूं, किस किस बच्चे ने आंसर फेंका है देख लेते हैं बच्चे। सोनूपुरी, सोनूपुरी ने आंसर फेंका है, हाँ 7 9 by 8, मतलब ये हो गया ना बच्चे, ए ऑप्शन हो गया। सोनूपुरी ने ए फेंका, मनीष कुमार ने ए फेंका है, पुष्पेंद्र सिंह यादव ने ए फेंका है, मनीष कुमार ने ए फेंका, पृथ्वीराज चौहान ने, हाँ पोस्टमार्टम पूरा करेंगे बच्चे, बिल्कुल मनीष कुमार, मनीष कुमार स्नेहा,
भाई मैं तो टी पीने जाऊं, 10 मिनट बाद आऊं, टी पीने जाने के लिए क्या जरूरत है, यहां पे लेके बैठ जाओ टी। हाँ, ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाइए ना बच्चे, बिल्कुल बिंदास तरीके से फायदा उठाइए। हाँ बोलो बच्चे, हाँ है ना, शाबाश सारे बच्चे बताइए। मनीष है, अजय है, अंजलि है, मिशल मेहता है, बिल्कुल बच्चे। हाँ रोक्सन रॉय है, वाह भाई वाह, गजब का बच्चा, रामास्त्र का दीवाना भी है। विपिन है, रोक्सन है, विपिन है, मैंक पंडित है, विनोद कुमार। बच्चे मैंक ये 99 का, विनोद ये 999 कहाँ से ले आया यार। विपिन है, शाबाश मनीष है, पृथ्वीराज चौहान। एक बात बताओ, कोई बच्चा मना ना करे, एक बार बताना, मैं प्राइम नंबर की सीरीज फेंक रहा हूँ। कोई दोस्त मना ना करे, एक बार मैं प्राइम नंबर ए भाज्य संख्या की सीरीज फेंक रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण है। प्राइम नंबर की सीरीज अति महत्वपूर्ण है। पहला प्राइम 2 होता है, अगला 3 होता है। ऐसा नंबर, देखो अपन देसी सी भाषा में बोले तो, ऐसा नंबर जो किसी की टेबल में ना आए, ऐसा नंबर जो किसी की टेबल में ना आए, वन को खुद को छोड़ के, 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, यही प्राइम है ना बच्चे, ये अभाज्य संख्या है। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सब का जोड़ करके, एवरेज निकालते हैं इन सब का जोड़ करके। बोलो क्या, इन सब का जोड़ करके जितने भी पद उससे भाग कर दो। इन सब का जोड़ कैसे करें, देखो जोड़ करने का तरीका भी होता है थोड़ा सा। देखो 17 और 3 कितना हो गया, 20। लास्ट में 0 लेने की कोशिश किया करो, बोलो भाई हाँ है ना। 13 और 7 कितना हो गया, 20। ऐसे 40, बोलो हाँ है ना, ऐसे 0 लेने की कोशिश किया करो यार, ठीक है। अब ये बताओ, कोई बच्चा मना ना करें, 20 और 20 40, और ये भी कितना हो गया, 30। 40 और 30 70, रह कितना गया बोलो बच्चे, 7, 77। 70 बटा कितने हैं, सारे पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 70 बटा 8 बोल दो, या 8 गुना में 9, 72 कितना बच गया, 5 बटे 8। शाबाश, ए इज राइट आंसर, बहुत ही गजब, ए इज राइट आंसर, मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा, ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा जोड़ करने का लॉजिक सीखो बच्चे, पेपर में जल्दी जोड़ कैसे करना, देखो ये 3 है ना, 7 किसके, 17 और 3 20 हो गया, 13 और 7 20 हो गया, 11 और 19 30 हो गया, 30 और 40 70, 70 और कितना हो गया बोलो बच्चे, 8 सॉरी 7, 77 बटा 8, तो इजी हो जाता है ना, जोड़ थोड़ा इजी करना सीखो। अब ये बताओ बच्चे, मेरे विचार से हाँ, सबसे पहला प्राइम बताओ 2 क्यों है। अच्छा कितने ऐसे नंबर, अगर मैं ऐसे बोल दूं, कितने ऐसे इवन है जो प्राइम है, कितने इवन जो प्राइम होते हैं, बोलो भाई सारे, कितने ऐसे इवन है जो प्राइम होते हैं, तो उत्तर आएगा एक, एक ही, कौन है, कौन है वो, तो उत्तर आएगा 2। ऐसे कितने इवन है जो कि प्राइम होते हैं, एक ही है, कौन है वो, 2, याद रखना, पूछे कितने हैं, ऐसी कितनी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होती है, तो उत्तर आएगा एक, वो एक, ये वो एक नहीं है जो वो आपको लग रही है, वो एक है जो, कौन है वो, तो उत्तर आएगा 2, बोलो भाई सही मत है ना। यहां पे बहुत बड़ी गलती होती है एक में और 2 में, अरे कितने हैं, कितने पूछे, हाउ मेनी, कितने पूछे, तो उत्तर आएगा 1, हाँ कौन है वो, विच, तो आंसर आएगा 2, बोलो भाई सही मत हो। 1 प्राइम क्यों नहीं होता, 1 प्राइम इसलिए नहीं होता क्योंकि 1 जो है उसका केवल एक ही फैक्टर होता है, 1 प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, इन सब के 2-2 फैक्टर हैं, 1 तो सबका होता है 1 और 2, 1 सबका होता है 1 और 3, 5 1 सबका होता है 1 और 5, यानी ऐसा नंबर जो खुद के और 1 की टेबल में छोड़ के किसी की टेबल में नहीं आए, 1 प्राइम इसलिए नहीं होता कि उसका केवल एक फैक्टर होता है। चलिए भाई, एक अभ्यर्थी ने, एक विद्यार्थी ने क्या किया सुनो बच्चे, एक अभ्यर्थी को एक परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंक हासिल करना है, वह 180 अंक हासिल करता है और इतने अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा के कुल अंक बताओ। अगर मेरे को पास आना तो मेरे को 40% अंक लेने पड़ेंगे, सुनो बच्चे ध्यान से, अगर मेरे को पास आना है तो मैक्सिमम शेयर करो यार क्लास को, अगर मेरे को पास आना तो मेरे को 40% अंक लेने पड़ेंगे, 360 नंबर मेरे आए, 360 से मैं फेल हो गया, सुनो बच्चे जितने नंबर आए मैं उतने से फेल हो गया, तो बताइए मैक्सिमम परीक्षा कितने नंबर की थी, मैक्सिमम परीक्षा कितने नंबर की थी, वाह भाई वाह, गजब के ढंग से, शाबाश। हाँ गुड्डू भैया, लव यू बच्चे, सभी दोस्तों को, मैंग पंडित, हाँ एसएससी सीजीएल का पेपर है बच्चे, अगले अलग से बना के लेके आया हूँ आपके, हाँ हाँ शाबाश। पुष्पेंद्र सिंह है, रोक्सन राय है, क्या है, शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया। अंजलि तोमर है, काजल है, मिशल है, मेहता है, हरवंश सिंह है, बिल्कुल, कृष्णा कुमार है, सोनूपुरी है, जो 900 आंसर फेंक रहे हैं, सी आंसर फेंक रहे हैं, देखते हैं, हाँ शाबाश, सारे एक तरफा फेंको बच्चे, दुर्गा प्रसाद है, एक तरफ आंसर फेंको यार, एक तरफ आंसर फेंको शाबाश, क्योंकि यहाँ पे वो तो है नहीं, अनअकैडमी एक तरफ तो है नहीं कि भैया कितने परसेंट ने सही दिया, मैं तो यहाँ पे देख सकता हूँ कौन कौन सही फेंक रहा है, लामा सर का दीवाना भागीरथ भी सी फेंक रहा है, मनीष कुमार सी फेंक रहा है, अंकित कृष्णा कुमार विष्णु भी सी फेंक रहा है, इंद्रजीत मौर्या, मिशल मेहता, मनीष सोनुप्री, विपिन पुनित, विपिन प्रदीप कुमार,
मिशल मेहता शाहबाशी है, गजब के बच्चे विपिन सिंह है, कपिल चौधरी है, प्रदीप कुमार है, हाँ कपिल गुड मॉर्निंग बच्चे, मनीष विपिन, मयंक पंडित, रोक्सर रॉय, विपिन सिंह, प्रदीप कुमार, गजब के बच्चे चल रहे। एक बार सारे के सारे शेयर और मार दो, जल्दी से मैक्सिमम शेयर मार दो आज का गजब का फेस्टिवल। एक बात बताओ भाई, मैं 360 नंबर ले भी आया, 360 से फेल भी हो गया। अगर मैं कहूं बच्चे मेरे 360 नंबर आ भी गए और मैं 360 से फेल भी हो गया, तो आप कहोगे सर आप 720 आते तो पास हो जाते, बोलो भाई हाँ है ना। 360 मेरे आ भी गए, मैं 360 से फेल भी हो गया, तो आप कहेंगे सर आपके 720 अगर आते तो आप पास हो जाते। पास क्यों सोचा? क्योंकि पास परसेंट 40% है। पास होने के लिए कितने चाहिए बोलो बच्चे? पास होने के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए? 40%। अगर 40% स्कोर मेरे आएगा तो मैं पास आऊंगा। तो 360 और 360 कितना हो गया? 720। 720 वैल्यू किसकी बोलो बच्चे? 720 वैल्यू किसकी? 40% की। 720 वैल्यू किसकी? 40% की चाहिए किसकी? टोटल मार्क्स, तो गुणा में सो, काटा पिटी खून खराब, 0 से 0 4 कितना हो गया बोलो बच्चे? 4 किस पे कट जाएगा बोलो बच्चे? 4 1 4 काउंटिंग में गड़बड़ी तो नहीं कर दी ना आपने? 360 से 180 नंबर से मैं फेल हो गया, 180 नंबर से मैं फेल हो गया और 180 मेरे नंबर आए, 180 से फेल हो गया। 360 वैल्यू किसकी बोलो भाई? 40 की, बतानी किसकी है? 100 की। हाँ गलत रकम लिख दी थी ऊपर, शाबाश गलत रकम लिख दी थी। हाँ थोड़ा सा बच्चे गलत बोल गया, माफी चाहता हूँ, दोबारा सुनो ध्यान से, थोड़ी सी बात गलत बोल गया मैं। हाँ हाँ पिछली बातें बोलो ठीक है ना, दोबारा। हाँ पिछली बातें बोलो, दोबारा सुनो। पहले मैंने बोल दिया 360 नंबर मेरे आए और मैं 360 नंबर से फेल हो गया, ये गलत रकम पढ़ ले गई। एक्चुअली में क्या, 180 नंबर मेरे आए और 180 से मैं फेल हो गया, तो वो 360 डायरेक्ट लिख दिए थे, फिर मैं इसको उसमें जोड़ गया। समझ गए ना मेरी भावना? तो आप समझ गए होंगे। हाँ शाबाश, बोलो समझ तो गए ना मेरी भावना बच्चे? बिल्कुल। क्या गलत बोला था मैंने? समझ तो आ गया? शाबाश, बिल्कुल हाँ है। हाँ शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ऐसे बोलना था 180 नंबर मेरे आए और 180 नंबर से मैं फेल हो गया, यानी मैं 360 में पास आ जाता, बट मैंने गलती ये बोल दी, आप समझ गए होंगे। चलिए, जिसको बोलते हैं मौज करना, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मौज करना, इसको बोलते हैं मौज करना। हाँ इसको बोलते हैं मौज करना, जो मैं कई बार ऐसे बोर्ड पर मौज करता हूँ। रवि जो राजकुमार गवाले के पास मौज करते हैं, हर बंदे का मौज करने का अपना अलग अलग ढंग होता है, वो कहां बैठ के क्या मौज करता है। पेपर बहुत गजब का बनाया है, कोई मना ना कर दे हिंदी इंग्लिश के अंदर, बहुत प्यारा, बड़ा मजा आएगा आज इस पेपर में, आपको बहुत ही मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सही फेंकता है। हाँ, हर बंदा कहीं अलग अलग मौज करता है। एक व्यक्ति एक वर्गाकार मैदान में, एक व्यक्ति एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 मिनट में पार करता, तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। अगर एक वर्ग है बच्चे, ये एक वर्ग है, इस वर्ग का मैं डायगनली भागता हूं, आप ऑफिसर बनोगे यहां और यहां पे चोर है, तो आप यहां की बजाय सीधे यहां भागोगे। आपकी स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आर। आपकी स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आर है, और आपने चोर को पकड़ लिया 2 मिनट में, चोर को पकड़ लिया 2 मिनट में। मीटर में बताना इस वर्ग का एरिया कितना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। सारे बच्चे फेंको, इस वर्ग का एरिया क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, पहले तो ये बताओ बच्चे। शेयर करके आता हूं, बिल्कुल हाँ अपूर्व गुप्ता, सारे बच्चे एक बार। हाँ शाबाश, मनीष कुमार ने आंसर फेंक दिया, 6000, बी ऑप्शन आ गया। एक बार सारे के सारे बच्चे 5-5 बंदों को शेयर करके आओ यार, गजब का अगर माहौल बनाना क्लास में। एक बार सारे के सारे, 2 रन दूर है अर्धशतक से भी, तो एक बार सारे के सारे बच्चे मैक्सिमम शेयर करके आओ, एक बार सारे के सारे बच्चे मैक्सिमम शेयर करके आओ क्लास को। शाबाश, हर बंदा 5-5 दोस्तों अभी का भी शेयर करके आएगा। मनीष कुमार भी बोल रहा है, हाँ मयंक पंडित भी 6000 बोल रहे हैं, देखते हैं। शाबाश सारे बच्चे लिखो, ये लाइट गई बच्चे, जल्दी जल्दी। पारस भाती के रात हो गया, मैं कमेंट नहीं किया, सारे आ गए ना बच्चे अपने वाले बंदे। शाबाश, पिछले का आंसर फेंक रहे हैं, सारे बंदे शेयर करके आओ जल्दी से। बी आंसर आ रहा है, बी भी आ रहा है, ये क्या कर रहे हो, कभी बी बोल रहे हो कभी सी बोल रहे हो। शाबाश, राहुल कुमार मिश्रा 6000 बोल रहे हैं, सोनूपुरी है, हर्षवर्धन सिंह है, सोनूपुरी है, हर्षवर्धन लंबा सर का दीवाना है, अपूर्व गुप्ता है, बी भी आ रहा है, सोनूपुरी है, बी भी आ रहा है। शाबाश करें, भी सोल्व करें। शाबाश, अज सदक मुबारक हो सभी दोस्तों को, एक बार मैक्सिमम शेयर करके आ जाओ। एक बात बताइए, आंसर जो है क्षेत्रफल वर्ग मीटर में देना है,
अगर आंसर हमें मीटर में देना है मेरे बच्चे, तो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। हाँ बरो, अगर हमें आंसर किस में देना है, मीटर में देना है, तो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। सारे बच्चे हाँ बरो भाई, मैं किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में फेंक दूं, सारे बच्चे बताओ 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मैं चला। अगर मैं 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला तो 5/18 जो मेरे से बच्चा टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहा है, 5/18 किलोमीटर पर सेकंड आ गया। 3 × 5/18 क्या मीटर पर सेकंड आ गया। ये तो 1 सेकंड में मैं इतना कवर करता हूं, 2 मिनट में कितना कवर कर लूंगा, ये मेरी स्पीड है। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, क्योंकि सेकंड बनाऊंगा। 120 सेकंड में मैंने कितना कवर किया, सेकंड क्यों बनाया, क्योंकि मीटर पर सेकंड है। इतना रास्ता मैंने कवर कर लिया, ये रास्ता आ जाएगा, यानी विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। बोलो हाँ भाई, काटा पीटी खून खराबा डायगोनल की लेंथ आ जाएगी 3, 6, यहां पे आ गया 20, 20 × 5 आ गया 100, ये डायगोनल की लंबाई आ गई। बोलो हाँ है बच्चे, कोई बच्चा मना ना करे, कोई दोस्त मना ना करे, साइड का रूट 2 गुना डायगोनल होता है। बोलो हाँ है ना, कोई दोस्त मना ना करे, साइड का रूट 2 गुना डायगोनल होता है, ये साइड इसका रूट 2 गुना डायगोनल होगा। तो अगर ये 100 है तो मैं इसको रूट 2 से डिवाइड कर दूं, 100/√2 ये साइड आ जाएगा। सब दोस्तों को पता है साइड इनटू साइड भुजा गुणा में भुजा एरिया होता है। 100 × 100 कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 जीरो लग जाएगी, एंड √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ये आपका एरिया आ जाएगा कितना, 5000 मीटर स्क्वायर। आपसे मीटर स्क्वायर में आंसर पूछा था, ए इज राइट आंसर। सबने आपने मौज कर दी, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने मौज करी, आप सब दोस्तों ने इस क्वेश्चन में मौज कर दी। हाँ, सब दोस्तों ने इसमें गजब की मौज करी बच्चे, कहानी बिगाड़ के छोड़ दी, शाबाश। काजल, अवनीश, पार्स भारती, बिल्कुल बच्चे, एक इसने रोक्सन रॉय ने सबसे पहले ये बोला 5000, शाबाश। मैराथन ले लो सोनूपुरी, बिल्कुल ले लेते बच्चे, आज पीटी का एक बार करवाना, डीआई उसके बाद वो ले लेंगे, मतलब अगले दिन। अपरूआ गुप्ता है, दोस्त चाय पी लो पहले। हाँ, मैंगो शेक भी है, वाह भाई अपरूआ गुप्ता चाय के साथ मैंगो शेक मिला के पी रहा। देखो मैं कह रहा था ना, हर बंदे को अलग अलग चीज में मौज आता है। सारे बच्चे एक बार कमेंट में छाप दो, किस किस को किस किस चीज में मौज आता है, हर एक बंदे को अलग अलग चीज में मौज आता है। हर्षवर्धन सिंह ने सही बोला, विपिन सिंह ने सही बोला, शाबाश, अब तो सही बोल रहे। एक बात बताओ यार, आप गड़बड़ी कैसे कर रहे हो, क्या आपको ये नहीं पता, एक बात बताना सारे बच्चे, क्या आपको ये नहीं पता किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 है ना, क्या आपको ये नहीं पता किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18। अगर डिस्टेंस, अगर आपने स्पीड बढ़ा ली मीटर पर सेकंड में, तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, क्या 2 मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नहीं पता। क्या आपको ये नहीं पता 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 2 मिनट में 120 सेकंड होगा। बोलो हाँ है ना, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ है भाई सब दोस्तों की, कैलकुलेशन में गलती हो गई, राहुल कह रहे वाह भाई वाह। गुप्ता जी को पड़ोसन में पृथ्वीराज चौहान, मैं कराऊंगा पड़ोसन तो आपकी, मैं बता, रुक जाओ एक बार, आपकी बारी तो आ गई आज, आज तो बारी आ गई। सुनिए बच्चे, सारे दोस्त बताओ 3 × 5/18 क्या मीटर पर सेकंड आ गया, तो सबको पता ये स्पीड है, तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। 120 से गुना किया लो, ये मीटर में आ गया, ये विकर्ण की लंबाई आ गई। सारे बच्चे बताओ साइड का रूट 2 गुना डायगोनल होता है, हाँ ना, हाँ साइड का रूट 2 गुना डायगोनल होता है, तो मैं डायगोनल को रूट 2 से भाग कर दूं तो साइड आ जाएगा। सारे के सारे बच्चे बताओ साइड का रूट 2 गुना, ये कोई वर्ग की भुजा है, उसका रूट 2 गुना डायगोनल होता है, तो मैं डायगोनल को रूट 2 से भाग कर दूं साइड आ जाएगा। तो जैसे ही साइड आएगी, साइड गुना में साइड वर्ग का एरिया होता है। सारे बच्चे बताओ, कोई बच्चा मना ना करे, हाँ बरो भाई, सारे वर्ग की भुजा होती है, साइड होती है वो ए होती है, हाँ है ना। वर्ग का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, बोलो 3a होता है, हाँ है ना। वर्ग का डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, √2a होता है, बोलो हाँ, एंड √2 × a होता है, बोलो सेम हो। और वर्ग का एरिया क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, एक बार सारे बच्चे हाँ भर दो, बोलो हाँ है ना। बोलो वर्ग की भुजा ए, पेरीमीटर कितना हो गया 4a, पेरीमीटर कितना हो गया, बोलो बच्चे ये हो रही है मौज, पेरीमीटर कितना हो गया 4a, डायगोनल हो गया √2 × a और एरिया हो गया 1 का स्क्वायर, बोलो सेम तो सारी बातें हाँ है ना। वर्ग का एरिया a की 2 होता है, 4a चारों भुजाओं का योग होता है, डायगोनल √2 होता है। सबसे बड़ी बात, अगर मैं साइड को √2 से गुणा करूंगा तो डायगोनल बनेगा, डायगोनल को √2 से भाग करूंगा तो साइड बनेगा, बोलो सहमत हो ना। अगर मैं साइड को √2 से गुणा करूंगा तो डायगोनल बनेगा, डायगोनल को √2 से भाग करूंगा तो साइड बनेगा, बोलो सहमत हो। कोई बच्चा इस बात में मना ना करे, अगर मैं साइड को √2 से गुणा करता हूं तो डायगोनल बनता है, डायगोनल को √2 से भाग करता हूं तो साइड बनता है। इस बात में भी कोई बच्चा मना ना करे, चारों भुजाओं का योग क्या होता है, इसकी और क्या खास बात है बच्चे, वर्ग के याद रखना, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी बहुत बार थ्योरी में पूछा गया है।
स्केयर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट तो सबके होते ही होते हैं, ठीक है ना। अच्छा दूसरा और क्या है इसका दूसरा भाई, जब हवा आई और वर्ग हवा आने से हिल गया, रोमबस बन जाता है, समचतुर्भुज बन जाता है, उसके डायगोनल भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। वर्ग वर्ग में प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, जैसे ही हवा आई तो वर्ग ऐसे हिल जाता है, वो रोमबस बन जाता है, समचतुर्भुज बन जाता है। उसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट तो सब में करते ही करते हैं, चाहे वो स्केयर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रोमबस हो, बट स्केयर और रोमबस ये दो ऐसे बंदे हैं, स्केयर और रोमबस ये दो ऐसे बंदे, इनके डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, लंब होंगे, बोलो सही बात है ना। हाँ ये दोनों ऐसे बंदे हैं, इनके डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, लंब होंगे। हर एक बात आपके सामने फेंक के छोड़ दिया, अगर इसके अंदर सर्कल बनाएंगे, सुनो भाई ध्यान से, अगर आप इसमें सर्कल बनाते हैं, वर्ग के दो सर्कल अति महत्वपूर्ण है। हाँ अगर वर्ग के अंदर आप सर्कल बनाते हैं, दो सर्कल अति महत्वपूर्ण है। अगर एक वर्ग के अंदर सर्कल बनाया जाएगा, अगर वर्ग के अंदर सर्कल बनाया जाएगा तो वर्ग की जो भुजा थी, बोलो बच्चे छोटा आर क्या रह जाएगा, छोटा आर हो जाएगा साइड बटा दो, वर्ग की जो भुजा थी ए था उसका बटा दो, साइड के बटे दो करेंगे वो रेडियस आएगा। अगर एक वर्ग के बाहर जिसको बोलते हैं सर्कम सर्कल परिवृत्त, अगर सर्कम सर्कल बनाते हैं जिसकी आर बड़ी हो तो वो क्या होगा, डी बटा दो, डायगोनल बटा दो। ये अति महत्वपूर्ण बात है, बोलो याद रखोगे ना। एक वर्ग के अंदर जब सर्कल बनाएंगे, मतलब मैं पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं, बच्चे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे फेंक फेंक के मारते हैं, शाबाश बहुत ही बढ़िया, राहुल भी मौज करा, भागी पक्का गया आज बिल्कुल। बच्चे सारे बच्चे बताओ, दो लाइक एंड शेयर दी सेशन, वाह भाई वाह, लाइक एंड शेयर दी सेशन, मैक्सिमम बच्चे एक बार शेयर करके आ जाओ, बच्चे मैक्सिमम क्लास को गजब के ढंग से शेयर करके आ जाओ। अगर एक बहुत ही गजब का सेशन बनाने वाले हैं, बहुत ही बिंदास का सेशन बनाने वाले हैं, अगर एक वर्ग के अंदर मैं सर्कल बनाऊंगा, याद रखना, तो उसकी वर्ग की जो भुजा थी, वर्ग की जो साइड थी, उसके आधा रेडियस होगा, बोलो हाँ है ना, ये वर्ग की भुजा बराबर हो गया, इसका आधा रेडियस होगा, ये आधा रेडियस हो जाएगा, बोलो चलेगा ना, कोई बच्चा मना ना करे। और बाहर बनाएंगे तो ये डायगोनल विकर्ण, इसका आधा डी बटा दो, डी बटा दो रेडियस हो जाएगा, बोलो सहमत हो ना। यहां पे आ जाएगा साइड का आधा रेडियस, यहां पे आ जाएगा डायगोनल का आधा रेडियस। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, शतक के नजदीक जा रहे हैं गजब के योद्धा, शाबाश वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिंदास तरीके से, ये लो गजब का क्वेश्चन। हाँ गजब का क्वेश्चन, नाम लिया और शैतान हाजिर, नाम लिया और शैतान हाजिर, वाह भाई वाह। देखते हैं क्या बोला, क्या है, क्रम से 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले वृत्त की दो जीवा, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाली ए बी और सी डी दो समांतर जीवा, पैरेलल समझ गया ना, समांतर का मतलब होता है वो कभी नहीं मिलेगी आपस में, समांतर का मतलब होता है वो आपस में कभी ना मिले, बोलो हाँ है सब दोस्तों की, शाबाश सारे के सारे बच्चे, मैक्सिमम शेयर करके आओ यार। यदि दोनों जीवा केंद्र के एक ही ओर है, दोनों खास बात सेंटर के एक ही ओर है, उनके बीच की दूरी 3 है, तो बताओ वृत्त का व्यास क्या आएगा। सारे बच्चे बताओ, बच्चे ये एक सर्कल का, वो एक सर्कल है, ये सेंटर हो गया, दोनों जीवा सेंटर के सेम एक ही ओर है, दोनों पैरेलल है, और दोनों की ये बड़े वाले पता ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आधा, कोई बच्चा मना ना करे, बड़े वाली कितना है 10, तो आधा आधा 5 हो जाएगा, ये 5 और ये 5 हो गया। अच्छा दोनों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, बोलो इनके के बीच की दूरी 3 है, ये दी थी ना, हाँ उनके बीच की दूरी 3 है, तो वृत्त का व्यास बताना, आपको रेडियस बताओ पहले, रेडियस बताना फिर व्यास बताना, सारे बच्चे बताओ, कोई बच्चा मना ना करे, परपेंडिकुलर होता है, सारे दोस्तों को हाँ है, कोई दोस्त मना ना करे कि यहां, मतलब एक बार आप ही सोचो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा शाबाश, एक बार सारे के सारे बच्चे आप ही सोचो, बिल्कुल बिंदास तरीके से सोचो, हाँ डायमीटर क्या हो गया, व्यास क्या होगा, एक बार देखते हैं कौन कौन सोचता है शाबाश। क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करा गुरु जी, बिल्कुल करवा रहे, इसका पूरा करवाएंगे एक बार सारे के सारे, बिल्कुल सारे के सारे बच्चे आंसर फेंको, देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर फेंकता है, वाह भाई वाह गजब के योद्धा शाबाश, बहुत ही गजब के योद्धा। वाह भाई वाह, बहुत ही गजब की बात बोले मयंक पंडित ने, यहाँ पे कमेंट पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा मौज कहाँ आता है, मयंक पंडित ने बहुत ही गजब की बात बोली आज की कि सर हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी में सबसे ज्यादा मौज आता है, वाह भाई वाह, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी में सबसे ज्यादा मौज आता है। पहला जवाब आया मनीष कुमार का, ये देखते हैं बच्चे, पहला जवाब आया मनीष कुमार का, ये देखते हैं, बहुत बढ़िया।
सबसे ज्यादा जो मौज आता है, बोला है बच्चे ने कि हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी में सबसे ज्यादा मौज आता है। बहुत ही बढ़िया पहला जवाब फेंका है मनीष कुमार ने, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन बच्चे सही फेंकते हैं। शाबाश, स्नेहा डाका कह रहे हैं बहुत शेयर कर दी, वाह भाई वाह, गजब बच्चे, बहुत बिंदा, थैंक यू बच्चे आपके दिल से बिल्कुल बच्चे सहयोग के लिए। सारे दोस्तों ने जो गजब के ढंग से साथ दे रहे हैं बच्चे, वो याद रखा जाएगा, शाबाश। चलिए बच्चे बताएं फिर, अब तक आंसर नहीं फेंका यार सबने, क्या कर रहे हो? आंसर नहीं फेंका क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, है तो बहुत सिंपल, है तो बहुत सिंपल। सारे दोस्त दिमाग लगाओ बच्चे, सर्कल का रेडियस बताना है हमें, ठीक है भाई, सर्कल का रेडियस बताना। तो हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले बंदा क्या सोचेगा, वो सोचेगा यार ये रेडियस बताना है, उसका डबल डायमीटर आ जाएगा। सब दोस्तों को पता है ये 10 है और ये कितना है, ये 4 है, तो आधा 2-2 हो गया। सब दोस्तों को पता है कोई भी सर्कल का सेंटर होता है कोड पर, वो परपेंडिकुलर करता है, बायसेक्ट करता है, ये अति महत्वपूर्ण है। ये और ये बराबर होगा और ये और ये बराबर होगा, बायसेक्ट अति महत्वपूर्ण है। अब हमें ये पता है बच्चे कि यहां से अगर यहां निकालूं, इसका तो पता नहीं क्योंकि ये नहीं पता हमें कितनी है, इनके बीच की दूरी 3 है। एक काम करो, इसको ना मिला के में इसको ना मिला के अगर मैं इसको मिलाऊं तो बच्चे देखना ध्यान से, अरे ये तो यार साफ हो, मतलब साफ ही कर देता हूं मैं, चलो ये साफ ही कर देता हूं, देखना ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना, मतलब मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, देखना आप रकम तो समझ गए ना, एक बार समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं बच्चे, देखना आप कंसेप्ट तो समझ गए, एक बार मैं पूरा बढ़िया मतलब शेप लेके आपको बिल्कुल बिंदास तरीके से सिखाता हूं, सुनो बच्चे ध्यान से, बहुत ही प्यार से सारा बिंदास तरीके से सिखाता हूं। ये एक सर्कल है, सुनो ध्यान से, ये एक सर्कल है बच्चे, और इस सर्कल के अंदर 2 कोड है, इस सर्कल के अंदर 2 कोड है, सुनना ध्यान से, दोनों समांतर है एक दूसरे के, क्या है, पैरेलल है, दोनों समांतर है, दोनों समांतर एक दूसरे के, एक और ये दूसरी, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है भाई। अब आओ बच्चे बात पे, आप ये बताइए ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। सब दोस्तों को पता है सर्कल के सेंटर पॉइंट से जब हम कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो बायसेक्ट करेगा। ये बड़े वाले की लंबाई 10 है, छोटे वाले की 4 है, तो बताओ अगर छोटे वाले की 4 है तो ये भी पक्का 2 और ये भी 2, बड़े वाले की 10 है तो ये भी 5 और ये भी 5, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी, ये 3 है हमें पता, ये और कुछ नहीं दिया था सर्कल का, ये बताना। सारे बच्चे बताओ, कोई दोस्त मना ना करे, जब मेरे को ये पता यार कि ये कितना है 2, सुना ध्यान से, ये 2 है और इनके बीच की दूरी कितनी है, ये 3 है और ये रेडियस, वो तो पूरा फायदा है नहीं कुछ, सेम का सेम कंसेप्ट यहां पे, यहां पे अगर मैं बात करूं ये भी तो आर है रेडियस से, ये भी आर है और ये भी आर है, इसमें कोई बच्चा मना ना करे, सेम है तो सारे दोस्त, ये 5 है, ये आर है, ये नहीं पता, ये आर वो कि वो सेम आर बराबर होती है, ये 2 ये 3 ये नहीं पता, तो एक बार में इसको 2 इक्वेशन बनेंगी वैसे तो, ये ए ले लूं, बोलो बच्चे हाँ है सब दोस्तों की ए पार्ट ले लूं, कोई बच्चा मना ना करे, क्यों, क्योंकि सब दोस्तों को पता है पाइथागोरस जिंदाबाद था रे, एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरी बार ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप चाहो तो मैं बताऊंगा एक डायरेक्ट भी लॉजिक, उससे भी फेंक सकते थे। चलिए अब ये बताओ, ऊपर वाले में अगर मैं देखूं कोई दोस्त मना ना करे, आर की 2 बराबर क्या होगा, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, आर की 2 बराबर क्या हो गया, ये हो गया बच्चे 5 की 2, 5 की पावर 2 प्लस में 1 की 2, बोलो चलेगा ना। और नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूं तो कोई बच्चा मना नहीं करेगा, आर की 2 बराबर क्या हो गया, 2 की पावर 2 प्लस में 3 प्लस में 1 की पावर 2, बोलो भाई सेम है तो सारे दोस्त। अब ये बताइए ये भी आर की 2 और ये भी आर की 2 दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों प्लेटें बराबर हो गए, अरे ये साफ क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ये उसका बन, ठीक 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 चलिए ये उससे बना हुआ है, बड़े वाले साफ नहीं होगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस में 1 की 2 और यहां पे सामने कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 की 2 यानी 9 प्लस बी की 2 यानी 1 की 2 प्लस 2ab यानी 6a। अभी बताओ बच्चे काटा पेटी खून खराबा कैंसिल, क्या हो रहा, कैंसिल कर दूं, 1 की 2 से 1 की 2 उड़ा दूं, बोलो भाई सेम है तो सारे बच्चे, 9 और 4 13 12 आ गया, 6a बराबर 12 आ गया, 6a के बराबर 12 आ गया, 1 की वैल्यू 2 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, कहीं पे भी रख दो, अगर 1 की वैल्यू 2 आ गई, 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 और 4 29 √29 आर कितना आ गया, √29 आ गया। आपसे डायगनल पूछा था, विकर्ण पूछा था, डबल किसका, 2√29 क्या आ गया, 2√29, ये जो भी ऑप्शन था बच्चे, ए था बी था जो भी था आपका, वो कितना आ गया बच्चे, कोई बच्चा मना ना करे, डायमीटर व्यास कितना आ गया, डायमीटर व्यास कितना आ गया √3 29 रेडियस आ गया, तो उसका डबल आ गया।
आप चाहो तो डायरेक्ट, ये तो सीखने का तरीका जो रियल मतलब उससे बनाते हो। अगर आप चाहें डायरेक्ट, याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नंबर लेंगे, जैसे आपने मैंने बताया, तो मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से बोला, जब भी पेपर वाला, अब मैं इसको साफ अगले पेज पे थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट नंबर लेना चाहते हैं बच्चे, याद रखना मैंने आपको बहुत अच्छे गजब के ढंग से बताया हुआ है। बोलो क्या? डायरेक्ट नंबर लेना, अनअकैडमिक रैंकिंग 6 on 3, जो बच्चा मेरे से पढ़ा उसको पता है, आपका ऐसे सोल नहीं कराते, सब दोस्तों को ये बताया हुआ है। एक सर्कल का जो ये कोड होती है, जब भी पैरेलल कोड वाला क्वेश्चन आता है, एक कोड का आधा दूसरे कोड, याद रखना, एक जब सर्कल की रेडियस पूछे, जब भी सर्कल की रेडियस पूछे, एक जीवा का आधा दूसरी जीवा और सेंटर के बीच की दूरी होता हमेशा। एक जीवा का आधा, ये चार था, चार का आधा कितना हो गया? दो। एक जीवा का जो आधा है वो दूसरे कोड और सेंटर के बीच की दूरी होता हमेशा। ये लो ये दो, ये सारा 10 था तो आधा 5 आ गया। पाइथागोर जिंदाबाद था, है और रहेगा। 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4, 25 और 4 29, ये लो अंडर रूट 29 आ गया। अगर ये अंडर रूट 29 आ गया रेडियस, तो इसका डबल कर देंगे, व्यास आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा 2 root 29। बोलो हाँ, है ना? एक बात कॉपी पे गजब के ढंग से लिख लो। बोलो बच्चे, एक बात कॉपी पे बहुत ही गजब के ढंग से लिख लो। बोलो क्या? अगर सर्कल की रेडियस पूछे, अगर पेपर वाला सर्कल की रेडियस पूछे, तो एक जीवा का आधा, लिख लेना ध्यान से, अगर पेपर वाला सर्कल की रेडियस पूछे। हाँ, आपका कौन सा आंसर था? बोलो बच्चे, आपका आंसर था बच्चे 2 root 29, बी इज राइट आंसर। आपका बी आंसर इसमें सही था, आपका इसमें बी आंसर सही था। अगर सर्कल की रेडियस पूछे, रेडियस पूछे, तो एक जीवा का आधा, एक जीवा का आधा दूसरी जीवा तथा केंद्र के बीच की दूरी होता, तथा केंद्र के बीच की दूरी होता है। बोलो बच्चे, अगर सर्कल का रेडियस पूछे, सुनो बच्चे ध्यान से। हाँ शाबाश, देखते हैं आप कमेंट, देखता हूं मैं, बनी नहीं बनी बात। हमारा यूपीएससी पीटी का एसीजीएल पेपर 24 को सुबह कई दोनों, शाबाश। यूपी ट्रिपल एससी पीटी का और एसीजीएल का पेपर 24 को ही है, ये तो गजब के यार फंसा दिया यार हमें विकी राजपूत, ये तो बहुत गड़बड़ी कर दी। दोनों पेपर सीजीएल का और यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम सेम टाइम, विकी बच्चे इसके पर बात करेंगे, आप इस पर बात करेंगे, इस पर हम बात करेंगे, आपकी तैयारी किस में ज्यादा अच्छी है, इस पर हम बात करेंगे, आपकी तैयारी। सब्जेक्ट देखो बच्चे, इसका सॉल्यूशन अगर हमें करना है तो एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास, वो ये है, जिस बच्चे का यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम और एसएससी सीजीएल का एग्जाम इकट्ठा आ गया, तो अब मेरे को ये बताओ, जो यूपी ट्रिपल एससी में आपके सब्जेक्ट आते हैं मैथ्स के अलावा, जो जो सब्जेक्ट आता है आपका, हिंदी आता है, रीजनिंग आता है, उसकी तैयारी और इंग्लिश वगैरह सीजीएल वाली, वो तैयारी ज्यादा भारी कौन है? अगर आपकी इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, जीएस की अच्छी तैयारी नहीं है, और यहाँ पे पीटी में हिंदी वगैरह जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं उनकी अच्छी पकड़ है, तो आप पीटी का एग्जाम दीजिए। और अगर सीजीएल वाले में आपकी, अगर एसएससी सीजीएल वाली अगर बात करें, उसमें आपकी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग वो ज्यादा अच्छे लेवल के हैं, यहाँ वाले हिंदी वगैरह तैयार नहीं है, तो आप सीजीएल का एग्जाम दीजिए। बट मेरे हिसाब से ये ऑप्शन कम होता है, जो बच्चा जिस स्टेट का होता है, जैसे यूपी वाले बच्चे हैं, तो वो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी भारी है, उनकी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी ज्यादा भारी है, तो मेरे विचार से पलड़ा यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तरफ ज्यादा झुकाव है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तरफ ज्यादा झुकाव है। दूसरा कई चीज फैक्टर करते, दूसरा डिपेंड करता है एज का। अगर आपकी सीजीएल की एज बहुत ही कम बची हुई है, सीजीएल के आपके पास एक अटेम्प्ट इसके बाद और बचता है, और यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए कई सारे अटेम्प्ट बचे हुए होते हैं, तो सीजीएल का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है, फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि यूपी में जब चुनाव नजदीक होता है, एक साल के अंदर अंदर चुनाव होना होता है, तो वो भर्ती जल्दी होने की संभावना 100% होती है। अब वाली जो है, जैसे आपका यूपीएसआई है या यूपी ट्रिपल एससी है, इनका मतलब प्रोसेस आगे जल्दी पहुंचाया जाएगा सीजीएल के कंपेयर में भी। क्यों? क्योंकि तुरंत आपका अगले साल यूपी का चुनाव है, ठीक है? तो इस वजह से स्टेट के अंदर ऐसे मौके कम मिलते हैं कि अगले साल चुनाव, और आज आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, ये मौका 5 साल में सबसे चुनेरा मौका अभी इसी वर्ष है आपका,
तो मैंने मतलब कई सारी कंडीशन, बाकी आप फोन करना, बात करेंगे बच्चे, मतलब क्या सिचुएशन है वो तो एग्जैक्ट बंदे से पता लगता है आपकी क्या हुआ है, ठीक है। दो रूट 29, पहले ये बताओ सारी के सारे बच्चे बात याद हुई ना, क्या बात याद हुई क्या? और दूसरा भैया स्टेट की जॉब सबसे अच्छी होती है, ठीक है ना, खुद के स्टेट की जॉब में तो बंदा मालिक है। चलिए अगली बात सुनो सारे दोस्त ध्यान से, जब भी पेपर वाला सर्कल का रेडियस पूछे तो याद, और दो पैरेलल कोड वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक कोड का आधा, हाँ शाबाश, एक कोड का आधा, हाँ चैन नहीं होगा बच्चे, आप इस फिक्र मत पड़ना कि आप जाके ठीक है लट्ठी लेने जाके रोड जाम करेंगे, ये दो एग्जाम आपका कुछ नहीं होना, चैन चू नहीं होना, आप पंगे मत पड़ो, आप पेपर एक दे दो अच्छे तरीके से तैयारी करके, इस चक्कर में एक बार आप मत पड़ो, ठीक है ना, ये मैं इस चीज के ज्यादा फेवर में हूं नहीं भैया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते, अगर सर्कल की कोड की बात आए, अगर बच्चा चाहे कि सर मैं कोड वाला क्वेश्चन फेंक फेंक के मारूं, तो मेरी बात सुनो बच्चे, सबसे अति महत्वपूर्ण बात, जब भी एक सर्कल है और सर्कल एक कोड दे दे, एक जीवा दे दे, जीवा वो होती है सर्कल को दो भाग में बांटे, याद रखना सर्कल के सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये बाइसेक्ट हो गया आधा होता, और यहां पे ये तीन बातें, सर्कल का रेडियस, यहां पे इसका आधा, कोड का हाफ, और यहां पे हाइट, सर्कल के सेंटर और कोड के बीच की दूरी, पाइथागोरस जिंदाबाद था है और रहेगा, बोलो सहमत हो ना। जब भी एग्जाम में कोड का क्वेश्चन आए, हाँ जब भी एग्जाम में कोड का क्वेश्चन आए बच्चे, जब भी एग्जाम में कोड का क्वेश्चन आए, जीवा वाला क्वेश्चन आए कि सर्कल के सेंटर से आधा होता है, अरे दोस्त वो कह रहा छोटे वाला, छोटे छड्डा कोई चक्कर नहीं है मेरे भाई, छोटे वगैरह कोई चक्कर नहीं है, एक कोड का आधा, अरे दोस्त एक कोड का आधा दूसरी कोड और सेंटर के बीच की दूरी होता है, कोई बच्चा कह दे नहीं सर मैं तो ये वाला लूंगा, तो बच्चे ये पांच है ना, इसका आधा पांच हो गया, तो भैया इनकी दूरी भी पांच है, इसकी दूरी भी पांच है, ये पांच हो गया और ये दो था, अब भी वही आएगा, एक कोड का आधा दूसरी कोड और सेंटर के बीच की दूरी होता है भैया, इसका आधा, ये पांच है ना, ये पांच है तो इन दोनों का अंतर पांच होगा, ये दो है ना तो इन दोनों का अंतर दो होगा, समझ गए ना, एक कोड का आधा दूसरी कोड और सेंटर के बीच की दूरी होता है, एक जीवा का आधा दूसरे जीवा और केंद्र के बीच की दूरी होता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में, कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो ये लूंगा, बोलो मेरा क्या करोगे, ये पांच था तो मैं तो ये पांच लूंगा, ले लो भैया, कोई कहेगा नहीं मैं तो ये लूंगा, ये दो था तो ये दो लूंगा, किसे भी कर लो दोनों बातें एक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक कोड का आधा दूसरी कोड और सेंटर के बीच की दूरी होता है, मैं इस बात को कभी नहीं बदलूंगा, ऐसे स्वभाव के गुरु हर बच्चे को आवश्यकता है जो बड़े भाई की तरह बच्चों का मार्गदर्शन करे, और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो लामा सर जैसे गुरु मिले, ये सब आप दोस्तों का प्यार है मेरे दोस्त, ये सब आप दोस्तों का प्यार है, और मेरे विचार से ये शतक के बिल्कुल नजदीक योद्धा, मैक्सिमम क्लास शेयर भी कर चुके होंगे। देखिए बच्चे दो बात, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप इंस्पेक्टर बनने के बाद आपका स्वभाव सबसे गजब का होना चाहिए, आपकी जैसे एग्जाम्पल एक बात बताओ, विराट कोहली ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, उनके आप वो मिलाओ आप ठीक है ना, रिकॉर्ड मिलाओ कहीं आगे हैं विराट कोहली, मतलब मैच जिताने में एवरेज के अंदर, बट जो छवि इंडिया में बना रखी है धोनी की है, जो छवि सचिन की है, क्या कोहली की बन पाएगी, क्या बनी हुई है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ रीजन स्वभाव, मतलब हर चीज के आगे आपका एक चीज लग जाता है, आपका नेचर कैसा है, आप दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है आपके इंस्पेक्टर बनने के बाद, आपके कोई मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा आपसे बात करे, कोई भी बंदा आपका बात करे तो उसको ये कभी भी फील नहीं होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ चलिए बच्चे सारे दोस्त बताइए अगला क्वेश्चन, ये अगली बात फिर रह गई यार, इसकी अगली बात फिर रह गई, चलो अगली बात थोड़ा अगले क्वेश्चन बताएंगे, काफी सारी बातें कोड की, दो कोड मिले तो ठीक है ना, काफी सारी बातें करेंगे पोस्टमार्टम, एक बार मैक्सिमम शेयर कर दो, शतक लगा दो, मैक्सिमम शेयर कर दो, एक दोस्त ने डिसलाइक कर दिया, किसने कर दिया डिसलाइक, कौन कर दिया, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, वाह भाई वाह ठीक है ना, 40% महिलाएं हैं ठीक है ना, 70% स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, अरे ये सुनो भाई, सारे मान लो 100 मेंबर है, ये सारे 100 मेंबर हैं, एक तो आपकी बड़ी खुशी मिलेगी आपको कि 40% महिलाएं हैं, 40% महिलाएं हैं, बाद में पता लगा जो फीमेल थी ना 40% फीमेल है तो बाकी मेल है भैया, तो 100 में से 40 क्या हो गई फीमेल, तो 60 मेल हैं, बाद में आपको पता लगा 70% स्टाफ और 50% पुरुष विवाहित है, 70% महिला बोल रही थी यार, हाँ फीमेल स्टाफ, फीमेल ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे, 70% फीमेल स्टाफ फीमेल मेरिड है, यानी इसका 70% 28 महिलाएं मेरिड है
और यहां पे पुरुष कितने, पुरुषों से कौन शादी करता है, 85%, सिर्फ 85%, 30 ही मेरिड है। आपको बताना है अविवाहित कितने, तो सोचो 40 में से 28 गया 12 और 60 में से 30 गया 30, ये अविवाहित है। ये वो है जिनकी एज 30 प्लस हो चुकी है, कितने हो गए 42 ही, 100 में 42% ऐसे हो गए जो अविवाहित है। हाँ 42% ऐसे हो गए जो अविवाहित है। आप में से बताओ कौन कौन बच्चा है, हाँ आप में से कोई है क्या 30 प्लस का अविवाहित, ठीक है ना, 30 प्लस का कोई अविवाहित है तो कमेंट में जल्दी से छाप दो, उसके लिए गुड न्यूज है मेरे पास, उसके लिए भी गुड न्यूज है, शाबाश। हाँ सारे दोस्त बताओ, कोई बच्चा मना ना करे, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 100 में से 40 महिलाएं होगी तो 60 मेल है, यहां पे महिला थी, भावनाओं में बह के भूल गया बच्चा, टाइपिंग वाला बंदा भूल गया, ठीक है ना, 70% महिला स्टाफ फीमेल शादीशुदा है तो 40 का 70% 80 मेरिड, 28 मेरिज है तो अनमेरिड कितनी है 12 है, यहाँ पे 50% 60 की 30 की शादी हुई, 60 में से 30 कमा रहे हैं तो कुल जो है 42% जो है ये गुदर उधर घूमने वाले हैं, ठीक है बच्चे। चलिए भाई इसमें तो कोई बात बताने ये थी नहीं। एक आदमी किसी वस्तु को लागत मूल्य से, सुनना ध्यान से, एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर बेचता है, यदि उसके लिए जितना भुगतान किया उसका 5% कम पर खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, बताइए वस्तु का क्रय मूल्य। बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे फेंक के मारो, हाँ सारे के सारे बच्चे एक बार अपने आप फेंक के मारो, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही 19 रन दूर है शतक से, सारे योद्धा 19 रन दूर है शतक से, देखते हैं कितना कौन कौन कितने शेयर करके आया है। गुरुजी मैं हूं 20 साल का अविवाहित, ना 20 साल का अविवाहित नहीं माना जाएगा, 30+ है तो बताओ कोई, उसके लिए तो अच्छी खबर है मेरे पास, मेरी शादी हो गई नीता शर्मा, बहुत बढ़िया। हाँ जिसकी शादी हो चुकी है उसको तो बिल्कुल भी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है पढ़ाई के लिए, जिस जो शादीशुदा है उसका मतलब पेपर पास होना अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, उसको वो सारी मतलब हर आगे की सारी चीजों को समझ जाता है बिल्कुल बच्चे। हाँ शाबाश, वाह भाई वाह, 42% पिछला तो सही बोला सारे दोस्तों ने, पिछला तो सारा सही बोला, जिसकी शादी हो चुकी है उसको कोई कोई दुनिया को मोटिवेट मतलब कोई ऐसा वाक्य नहीं जो खुद इतना मोटिवेट होता है वो, ठीक है ना, खुद इतना मोटिवेट होगा या फ्रस्ट्रेट जो भी क्या होता है वो होगा। गुरु जी क्लास ली शादी न हुए, क्लास में अप्रूव कह रहे मैं 10 साल बाद 30 का हो जाऊंगा, अगर 10 साल तक भी अप्रूव आपका कोई बात ना बने तो मेरे को बताना, 10 साल बाद फिर मिलेंगे। शाबाश बहुत ही बढ़िया शाबाश, 200 भी आंसर आ रहा है, 400 भी आंसर आ रहा है। एक बात तो बताओ यार, एक आदमी किसी वस्तु का लागत मूल्य उससे 5% से अधिक करता है, किसी वस्तु उसके लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर बेचता है, मतलब सेल्स प्राइस ज्यादा रखता है, 100 की मेरे कोई चीज तैयार हुई तो मैं बोला भी 105 में बेचूंगा, सही बात है ना। आगे क्या बोला, यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदता, कोरोना की वजह से अगर ये 95 में चीज आ जाती और 2 रुपए कम में बेचता, 5% कम में खरीदता 2 रुपए कम में बेचता, ये वैल्यू मत छेड़ना, वैल्यू मत छेड़ना बच्चे, यहां भावनाओं पे काबू रखना, आगे बढ़ना, उसे 10% का लाभ होता। अब लाभ किस पे होगा, कोस्ट पे, 95 का 10% बोलो बच्चे, 95 का 10% 9.5 हो गया, अगर मैं 9.5 कमा के बेचू 10 जोड़ दो 104.5 में बेचूंगा, ये कॉस्ट प्राइस है बच्ची, ये सेलिंग प्राइस है या मार्केट प्राइस एक ही बात है, क्योंकि जब तक डिस्काउंट ना आए तब तक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एक ही होता है, सॉरी गलत बोल गया, जब तक डिस्काउंट ना हो तब तक मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होता है। यहां बताइए 105 वाली चीज 104.5 में यानी आधे रुपए कम में बेचने को तैयार हो गया, आधे रुपए सेलिंग प्राइस कम कर दिया, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। रियल में बताओ सेलिंग प्राइस कितना कम कर दिया, बोलो भाई 2 रुपए, रियल में सेलिंग प्राइस कितना कम किया, बोलो बच्चे 2 रुपए। आपका सबसे गजब का कंसेप्ट, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, दो वैल्यू किसकी, बोलो दो वैल्यू किसकी, 0.5 की, दो वैल्यू किसकी, 0.5 की, बताइए कॉस्ट प्राइस तो गुना में करेंगे 100, तुरंत आंसर फेंक के मारेंगे, क्या आंसर आ गया, कोई बच्चा मना ना करे, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो बच्चे 10 से गुना किया 400 इज राइट आंसर, 400 इज राइट आंसर, बहुत ही गजब बच्चे, मेरे विचार से ये सब दोस्तों का सही था, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही बिंदास तरीके से। हाँ एक बात बार बार बोला करो, हाँ एक बार बात बार बार बोला करो, बोलो क्या, वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करना है, बोलो हाँ है ना, वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करना है,
वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 12 रन दूर है अपने शतक से। शाबाश गजब के योद्धा, गजब के ढंग से क्लास चलती रहेगी बिल्कुल बिंदास तरीके से। एक बार मैक्सिमम शेयर मार के आज की क्लास का बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बड़ा गजब का फायदा है आपको। कोई बच्चा हर एक चीज सीखो, प्रॉफिट की बात है तो 100 में जोड़ेंगे, लॉस की बात है तो घटाएंगे। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, सारे के सारे बच्चे गजब के ढंग से सीखते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को फेंकते हैं बच्चे, बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन उठाए आपके लिए, ताकि आप सीजीएल के अंदर इसके एग्जाम यूपी त्रिपल एससी पीटी के अंदर बिल्कुल गजब के ढंग से फेंक के आओ। कल देखा, कल बच्चे सही से बताना, एनटीपीसी वाला पेपर करवाया था एक बच्चे का, खुश हुए कि नहीं हुआ? एनटीपीसी का एक बच्चे ने अपना जो स्टूडेंट था उस पेपर करके आया था, मैथ के सारे क्वेश्चन ठीक फेंक के मारे, मैथ के सारे क्वेश्चन ठीक फेंक के मारे। हाँ, इर्प्रवत की दो लाइनें गुरुजी, इरशाद इरशाद बोलो, वाह भाई वाह, इरशाद इरशाद वाह। सारे बच्चे बताओ कितना गजब का पेपर था बच्चे, कल वाला पेपर एक बार आप जरूर देखना जो 3 बजे सोल्व करवाया था, कल वाला पेपर एक बार जरूर देखना 3 बजे जो सोल्व करवाया था, कैसे सोचना चाहिए, कैसे पेपर करना चाहिए, सारे दोस्तों को बहुत ही बिंदास तरीके से बताया था। पी और क्यों मिलकर एक काम को 6 दिन में, पी प्लस में क्यों मिलकर एक काम को नष्ट नाबूद करते हैं 6 दिन में, और क्या बोला है, क्यू प्लस आर उसी काम को, क्यू प्लस आर उसी काम को करते हैं कितने में, 60/7 में, ठीक है। और क्या बोला है, पी ने काम प्रारंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया, पी ने 3 दिन अकेले ने काम किया। पहले बताओ, पहले यहां तो बताओ एफिशिएंसी बताओ, ये 60 आ गया, ये टोटल वर्क हो गया, 60/6 किया तो 10 आ गया, 60/7 आ गया, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब हमें बताए पी और क्यू दोनों मिलके, पी और क्यू दोनों मिलके 10 रोटी खाते हैं, क्यू और आर 7 खाते हैं। अब पी ने रोटी खाई 3 दिन तक, पता नहीं कितनी खाएगा बच्चे। क्यू और आर 6 दिन तक कार्य करते हैं, आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का अंतर होगा वो तो छोड़ो, क्यू और आर ने 6 दिन में खत्म किया, लास्ट में क्यू और आर ने 6 दिन में काम किया, क्यू प्लस आर मिलकर 6 दिन में काम खत्म करते हैं, 1 दिन में 7 रोटी खाते हैं तो 6 दिन में कितने खा लेंगे, 6×7=42 खा लेंगे। सारी रोटियां 60 थी, 60 में से 42 यहां खाई गई तो 18 यहां पे खाई गई, ये किसने खाई, पी ने खाई, कितने दिन में, 3 दिन में। तो सोचो पी 1 दिन में कितने खाएगा, 6 रोटी, पी की 1 दिन की 6 रोटी, वो सॉरी 18/3 6 रोटी, बिल्कुल 6 रोटी खाता है पी 1 दिन में, 6 खाता है तो सोचो क्यों की कितनी होगी, 4 हो गई। अगर क्यों की 4 हो गई तो इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई, इसकी 3 हो गई। किस किस का बताया है, आर और पी, आर पूरा काम करेगा 60/3 यानी आर करेगा 20 दिन में पूरा काम, और वही काम पी कितने में करेगा, 60/6 यानी 10 दिन में, दोनों का अंतर कितना है, 10 दिन। मैं काम करता हूं 20 दिन में, आप करते हो 10 दिन में, दोनों का अंतर कितना, 10 डेज। शाबाश, किस किस बच्चे ने आंसर फेंका एक बार मैं देखना चाहूंगा बच्चे, शतक के बिल्कुल नजदीक सारे योद्धा, शाबाश, किस किस बच्चे ने आंसर फेंका। माना कि भी जितने भी व्यू नहीं है ना आपसे जितना गुरूर, लेकिन आपको डर तो है ना, हमारे सर कुछ करेंगे जरूर, वाह वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, वी की राजपूत। आप कैसे भी करके एक बार बस यूपीएससी पेपर का टाइम चेंज कर दो प्लीज, 4 बजे से हटकर किसी भी टाइम कर दो प्लीज, ओके विकी राजपूत, इस बात को भी पक्का ध्यान देंगे। श्योर बच्चे, थोड़ा सा समय दो, श्योर आपके लिए बहुत ही, जैसे यूपीएससी की एग्जाम डिक्लेयर हो गए तो आपके लिए बहुत गजब गजब की चीजें सोच रखी है बच्चे। हाँ बी ऑप्शन आ रहा है, काजल का भी आ रहा है, शाबाश, सोनूपुरी का बी है ना, हाँ बी, शाबाश, अपूर्वा गुप्ता का, परवेश यादव का, शाबाश, आर्मी लवर बिल्कुल बच्चे, आर्मी लवर बे, अरे वाह बैजनाथ बिल्कुल, आर्मी लवर बैजनाथ, ना ही बोले, कहां थे आप, कहां थे मेरे दोस्त आप, हैं कहां चले गए थे। रिपीट अभी रिपीट करते हैं बच्चे, अनिल अभी रिपीट करते हैं, शाबाश, सारे दोस्त बिंदास तरीके से, 9 रन दूर है शतक से, और गजब के ढंग से क्लास को शेयर वगैरह कर दो। आज की क्लास को बिल्कुल मनमोहक और बहुत ही गजब की व्यू वाली बनानी है। पी और क्यों मिलकर एक काम को 6 दिन में, पी और क्यों मिलकर एक काम को 6 दिन में, क्यों और आर मिलकर 60/7 दिन में, और पी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन तक काम किया, फिर क्यू और आर ने 6 दिन तक पूरा पूरा काम खत्म कर दिया, आर और पी द्वारा अलग अलग काम में कितने दिन का अंतर आएगा। सबको पता है बच्चे 60/6 किया तो 10 आ गया, 60/7 किया तो 7 आ गई, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। 3 दिन पी अकेला काम करता रहा, अब ये नहीं पता 3 दिन में कितना काम करेगा। उसके बाद क्यू और आर ने काम 6 दिन में समाप्त कर दिया, 1 दिन में क्यू और आर 7 रोटी खाते तो 7×6=42 रोटी खाई। सोचो 60 में से 42 रोटी यहाँ खाई गई तो 18 रोटियां बच गई, ये 18 किसने खाई, अकेले पी ने खाई, कितने दिन में खाई, 3 दिन में खाई, तो 1 दिन में पी कितनी खाता है, 6। अब ये बताओ 10 में से 6 रोटी अगर मेरी है, 10 रोटी में से बच्चे 6 रोटी मैं खाया तो आपकी आर क्यू की कितनी है, 4 है। अब बताओ क्यू की इसमें भी क्यू की इसमें 4 है तो पी की कितनी बच गई, 3 बच गई, आर की 3 बच गई,
तो 60/3 आर पूरा काम करेगा 20 दिन में, 60/6 पी पूरा काम करेगा 10 दिन में, दोनों का अंतर कितने का है 10 दिन का। बोलो भाई सेम है तो ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सारे के सारे दोस्त बोलो हाँ है सब दोस्तों की, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल फेंक के मारते हैं, कोई बच्चा मना ना करे। ए प्लस में बी बराबर है 1, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चे सिर्फ ए की वो दी हुई हो, ए की इक्वेशन दी हुई हो, ए प्लस में बी बराबर है 1, आपसे क्या पूछा गया है, ए प्लस बी बराबर है 1, और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस में बी क्यूब माइनस में ए बी माइनस में ए की 2 माइनस में बी की 2 और सारे का होल स्क्वायर। जब भी एग्जाम में कुछ भी ऐसा कंसेप्ट पूछ ले, आपको पता है इक्वेशन एक दी गई है, वेरिएबल 2 दे दिए। एलजेब्रा की बहुत प्यारी बात सुनो बच्चे, बार बार पेपर में यूज होती है, अगर इक्वेशन एक है, समीकरण एक है, वेरिएबल 2 दे दिए, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो एक का, एक को 0 रख ले, अगर मैं ए को 0 रख लूं बच्चे और बी को 1 रख लूं चलेगा ना, ये भी तो एक होता है, क्या फर्क पड़ता है, बोलो भाई हाँ है ना, जो रखो वो ऑप्शन से बनना चाहिए आंसर। देखो सारे के सारे दोस्त मैं रख के बता रहा हूँ, ए को 0 तो ये 0 हो गया, 0 तो ये 0 हो गया, 0 तो ये 0, ये तो खत्म ही हो गया, 1 का क्यूब 1 होता है, 0 गुना सारा खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 1, 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा, बोलो बच्चे 0, प्लस माइनस का कोई चक्कर होता नहीं है, बोलो हाँ है ना, मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा, तुरंत आंसर 0 फेंक देंगे, तुरंत आंसर फेंक के मारेंगे, शाबाश हाँ है ना, बी नहीं आएगा बच्चे 0 आ गया, तुरंत वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन वहीं पे खत्म। मेरे विचार से एलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन सबसे इजी होता है। वाह भाई वाह, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, कौन कौन बच्चा आंसर फेंकता देखते हैं। ट्रेंगल ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री का, ट्रेंगल ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ए बी सी में, ए बी सी में ए 90 डिग्री का है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 का है, ठीक है। और आपको बीडी, बीडी कितनी दी हुई है 3, और सीडी कितनी दी हुई है 4, देन लेंथ ऑफ एडी, एडी की लंबाई बतानी है, ये क्वेश्चन आपके लिए, एडी की लंबाई बतानी है, कई बार मैंने बताया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछता है। जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर की बात चले, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर की बात करे चले, शाबाश 8 रन दूर अस्तक से, और मैक्सिमम मैक्सिमम आंसर फेंक के मारेंगे, शाबाश। कोई दोस्त मना नहीं करेगा, कोई बच्चा मना ना करे, हाँ बिना कमेंट पर बनाने कैसा समझ में, कमेंट के पढ़ते हैं, वाह भाई वाह, आर्मी लवर कह रहे हैं, अच्छा बैजनाथ, बैजनाथ कह रहे हैं बिना कमेंट के पढ़ते हैं, वाह भाई वाह बैजनाथ, और सब बढ़िया ना सारे दोस्त, बताओ इंद्रजीत मौर्य, जीरो पॉइंट 25 हो तो क्वेश्चन 60 आता है, और 40 क्वेश्चन तुक्का मारना चाहिए कि नहीं, नहीं बच्चे तुक्का तब मारना चाहिए जब दो ऑप्शन डिलीट कर पाओ, अगर आपने 60 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप बहुत सही तरफ जा रहे हो, बाकी जो बचे हुए 40 क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अगर आप उन्हीं में तुक्का लगाओ जिसके अंदर दो ऑप्शन कन्फर्म डिलीट कर पाओ, तुक्का सिर्फ उन्हीं में लगाओ जिसमें दो ऑप्शन कन्फर्म डिलीट कर पाओ और दो में कन्फ्यूजन हो, तब थोड़ा तुक्का मतलब रिस्क लिया जा सकता है। तुक्का ऐसा लगाना हो कि चार ऑप्शन है, चारों में से तुक्का लगाना हो, उस क्वेश्चन में कभी तुक्का मत लगाओ, उसमें कभी तुक्का मत लगाओ। चलिए बच्चे, सारे बच्चे बताओ इस आंसर देखो क्या रहा, बहुत बढ़िया, 3.5, 3.5 आ रहा है, दोनों की गुणा करके एंड रूट, कुछ नहीं करना बच्चे, दोनों की गुणा करके एंड रूट फेंक दो, दोनों की गुणा करके एंड रूट, 4 × 3 = 12, दोनों की गुणा करके एंड रूट फेंक दो, यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, बताऊंगा किस किस में, 4 × 3 = 12 का अंड रूट, ये 2 बाहर आ गया, 2√3, क्या आंसर आ गया, 2√3, बी इज राइट आंसर, शाबाश, बी इज राइट आंसर, ये सही है। अच्छा ये 3.5 भी को ऑप्शन में दिया होगा, पता है कब से होता है, दो बातें अति महत्वपूर्ण सुन लो भाई, पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सीजीएल वाले ध्यान से सुन लो, सीजीएल वाले ध्यान से सुन लो, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछेगा, दो बातें अति महत्वपूर्ण है बच्चे, बोलो क्या, एक तो ये महत्वपूर्ण है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस पे परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर की बात करें, ये 3 है और ये 4 है और आपसे ये पूछता है, ये आपसे पूछता है राइट एंगल ट्रायंगल में, पहली बात। दूसरी ये बात भी अति महत्वपूर्ण है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर यहां पे पूछता है आपसे फाइन डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर, ये होता है ऑर्थो सेंटर और ये होता है सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर होता है बच्चे मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अब ये बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, दोनों बातें सुनो, इसका उत्तर आएगा दोनों की गुणा करके अंडर रूट, इसका उत्तर क्या आएगा दोनों की गुणा करके अंडर रूट, 3 × 4 और सारे का अंडर रूट, अंडर रूट 12 या 2√3 बोल दो। इसका आंसर क्या आएगा, दोनों का जोड़, ये 3 है और ये 4 है, दोनों का जोड़ सारा कितना है 7 है ना, 7 का आधा मिड पॉइंट, ये सारा 7 है, मतलब 3 और 4 तो नहीं कहेंगे, ये सारा 7 है, सारा कितना है 7 है, 7 का आधा ये आएगा 3.5, ये कितना आएगा h/2, बोलो हाँ है ना,
ये आएगा एच बटा दो, हाइपोटेंस बटा दो, एच बटा दो, ये कितना आएगा 3.5, ये 3.5 आएगा। दोनों बातें अति महत्वपूर्ण है, कब 2√13 आएगा और कब क्या आएगा, दोनों बातें अति महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करें, याद रखना परपेंडिकुलर पूछे तब इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट करना है, परपेंडिकुलर पूछे तब दोनों की गुणा करके अंडर रूट करना है। परपेंडिकुलर पूछे तब दोनों की गुणा करके अंडर रूट करना है बच्चे, परपेंडिकुलर पूछे तब दोनों की गुणा करके अंडर रूट करना है, और आपसे ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी पूछे तब सीधा 7/2 3/3 करना है। बोलो दोनों बातें हाँ है ना। यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म होने के 1-6 रन दूर छक्का लगा के बच्चे तुरंत जो है ये गजब का शतक लाइक का कर देंगे, और शेयर एक बार प्लीज 5-5 200 तक अभी का भी शेयर फेंक के मारो, शाबाश। कोई बच्चा मना ना करे मेरे विचार से, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो रखा है वो 10 बजे का रखा है सेशन, बहुत ही बिंदास डीआई कैसे करनी होती है, उसके साथ पीटी में क्या क्या कंसेप्ट आएंगे कैसे सोल्व करना है। हाँ हाँ सीजीएल का चल रहा है बच्चे, फिलहाल सीजीएल का चल रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का अभी रखेंगे 10 बजे, अभी रखेंगे 10 बजे। ये बताओ दोनों बातें सीख गए ना, परपेंडिकुलर पूछे तो दोनों की गुणा करके एंड रूट, और एच बटा दो कब होगा जब ये मिड पॉइंट हो, यानी आपसे पूछे सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर, दोनों बातें महत्वपूर्ण है। बच्चा बार बार गलती कर देता है, आप ये गलती नहीं करेंगे। दो ठोस लोहे के गोल को कोई त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, रेडियस दी हुई है, ठोस गोलक समझ लो ना, अंदर तक लोहा भरा हुआ है, दो ठोस गोले यानी अंदर तक लोहा भरा हुआ है, दोनों गोलकों को पिघलाकर एक खोखला गोला बनाया गया, खोखला गोला बनाया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, खोखला गोला बनाया गया जिसकी बाह्य त्रिज्या 9 है, तो उसकी मोटाई क्या होगी, कितना मोटा, समझ रहे हो ना बच्चे, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सही फेंक के मारो बच्चे। दो ठोस गोले थे, दो क्या थे, दो ठोस गोले थे, एक का रेडियस 1 है, एक का 6 है, दोनों ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, बट वो अंदर से खोखला है, बाहर की रेडियस 9 है, तो बताओ उसकी मोटाई कितनी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शाबाश। सोनूपुरी बिल्कुल लेंगे बच्चे, 10 बजे क्लास होगी वो, एक बार ये थोड़ी देर तक चलती रहेगी क्लास, हाँ ये थोड़ी देर तक चलती रहेगी, मैक्सिमम आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आप काम करते रहें बच्चे। अभी के अभी हर बंदा 5-5 200 तक एक बार क्लास को शेयर करके आ जाए, अभी का भी। कल वाली एनटीपीसी वाली क्लास 3 बजे वाली अभी जरूर देखनी है सबको, एक बार उसकी बीच में से झलक देखनी है, हर एक क्वेश्चन आपसे 10 मिनट की देखना, एक बार अभी के भी जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कैसे एनटीपीसी का पेपर बच्चा जो देख के आया, सारे के सारे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, जीएस में हो गए, बट मैथ के अंदर एक क्वेश्चन भी गलत नहीं किया। क्लास चलेगी बच्चे कम से कम 20 मिनट आधा घंटा और चलेगी, अगर आप बिंदास तरीके का माहौल बनाते हैं तो। कोई बच्चा मना ना करे, एक ठोस गोला जिसकी रेडियस कितनी है 1 है, एक ठोस गोला जिसकी रेडियस 6 है, दोनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, सबको पता है गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3 πr³, तो एक कॉमन ले लू 4/3 πr³, यानी 6^3 + 1/3, बोलो चलेगा ना, ये सारा लोहा हो गया टोटल, इनसे पिघलाकर दूसरा जो गोला बनाया वो खोखला गोला है, तो बड़े गोले में छोटा गोला घटाएंगे 4/3 π बड़े आर का क्यूब कितना है 9^3 माइनस छोटे वाला आर का क्यूब, नहीं पता ये लो ऐसे घटा देते हैं, बोलो सहमत हो ना, बड़ा जो गोला बनाएंगे बड़े गोले में से छोटा गोले का वॉल्यूम ऐसे घटा देंगे, तो 4π r³ में से छोटा घटा दिया, सारे के सारे बच्चे बताओ काटा पीटी खून खराबा, कोई बच्चा मना ना करे 4/3 π से 4/3 π कैंसिल हो गया, देखो कितने एक लाइन में कितने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, 6³ 216, 1³ 1 यानी 217 आ गया, ये 217 आ गया बच्चे, और यहाँ पे क्या है बच्चे 9³ होता 729, तो माइनस का 729 आ गया, माइनस क्या है आर की 3, सबको पता है माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 9 में 7 गया 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, माइनस से माइनस खत्म आर का 3, तो आर कितना आ गया बोलो बच्चे, आर का 3 है तो आर आ गया 8, सारे बच्चे बताओ आर 8 आ गया, छोटे वाले का आर 8 आ गया, छोटे वाले का आर 8 है, बड़े वाले का आर 9 दिया हुआ था, 9 दिया हुआ था, तो मोटाई कितनी आ गई 1, मोटाई कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर से, सारे बच्चे बताओ एक बार किस किस का डी था, सारे के सारे बच्चे बताओ एक बार किस किस का डी था, सारे के सारे दोस्त बताओ एक बार किस किस का डी, जी गजब का शतक शाबाश, सभी दोस्तों को शतक मुबारक हो बच्चे, बहुत ही बिंदास शाबाश, सारे दोस्त क्लास को मैक्सिमम शतक के लिए, दुर्गा प्रसाद बिल्कुल बच्चे, कृष्णा कुमार, अपूर्वा गुप्ता, सनी चौहान बिल्कुल, नामासर का देवाना भागीरथ, पुष्पेंद्र सिंह यादव, ये सही बच्चे फेंक रहे हैं क्या, क्लास कब तक चलेगी, क्लास कम से कम आधा घंटा और चलेगी बच्चे, मतलब 10 मिनट और चलेगी, 9:30 तक था सोनूपुरी, क्योंकि 10 बजे अगली क्लास, अपूर्वा डी आर शाबाश, हाँ अगली क्लास जो वो 10 बजे रखी है आपके लिए,
अगली क्लास जो कितने बजे रखी है, 10 बजे आपके लिए रखी है, यूपी त्रिपल एससी पीईटी के बारे में, कैसे डीआई पार्ट आता है, कैसे कंसेप्ट को करना है, थोड़ा सा कैसे ध्यान रखना है। शाबाश, शतक पूरा शाबाश। अब मैक्सिमम क्लास को हर बंदा पांच पांच दोस्तों तक शेयर करेगा। बोलो समझ आ गया ना, बड़े वाला गोला, बड़े वाले गोले का बोले 4/3πr³, छोटे वाले का 4/3πr³, तो 4/3π कॉमन ले लिया, 6 × 3 + 1 × 3। अच्छा, यहां जो खोखला गोला बना, बड़े वाले गोले में से छोटे वाला गोला घटा दिया, 4/3πr³ - r³, आर अपने आप आंसर फेंक देगा, अपने आप आंसर फेंक देगा। शाबाश सारे के सारे दोस्त। बताओ बच्चे, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आज कितने अच्छे अच्छे प्यारे क्वेश्चन लेके आया, नहीं आया लेके आया, बताओ कितने गजब के प्यारे क्वेश्चन लेके आया। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति वर्ष 17,640 दो वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, उधार ली गई राशि बताओ। इंस्टॉलमेंट आ गया, सीआई का इंस्टॉलमेंट आ गया, 5% ब्याज की रेट है, मैं 2 साल में बराबर बराबर किस्तें चुकाता हूं, ब्याज की रेट 5% पर है ना, मैं 2 बराबर किस्तें चुकाता हूं। तो बताइए बच्चे, 5% का मीनिंग 1/20 होता है, तो पहले साल जो मैं पैसा पेमेंट करूंगा उसमें प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो रहेगा 20:21। पहले साल में जो पेमेंट करूंगा उसमें प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो रहेगा 20:21, और 2 साल जो यूज करूंगा तो इसका स्केयर 20 का स्केयर हो गया 400, 21 का स्केयर हो गया 441। यहां पे कोई बच्चा मना ना करे, ये प्रिंसिपल टू इंस्टॉलमेंट बोल दो या अमाउंट बोल दो, इंस्टॉलमेंट बोल दो या अमाउंट बोल दो, सबको पता है इंस्टॉलमेंट बराबर करनी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है तो कैसे बराबर करेंगे, इसको 21 से गुना कर दें, मजबूरी क्या है, इसको भी 21 से गुना करनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू बराबर होगी तो आप इनका जोड़ घटा कुछ भी कर सकते हो, वैल्यू बन चुकी है, बराबर होती कंडीशन पूरी होती। ये 400 है और ये 420 है, कितना हो गया 820, इसका मतलब आपसे मैंने 820 रुपए लिए थे, 441 की दो किस्तें दे रहा हूँ, रियल में दो किस्तें कितनी दे रख रहा हूँ, 17,640 की, हाँ प्रत्येक प्रत्येक किस्त है, ये वैल्यू इसकी 441 की। बताना क्या, मैंने आपसे कर्जा कितना लिया था, यानी 820 आपसे मैंने कर्जा कितना लिया, 820। काटा पीटी खून खराबा, कोई बच्चा मना ना करे, काटा पीटी खून खराबा। बोलो बच्चे किस पे कैंसिल हो गया, 4 पे, ये 4 पे कैंसिल हो गया 40, 2 0 आ गई, 4 × 2 = 8 आ गया, 8 × 4 = 32 आ गया, 32,800। कौन सा ऑप्शन है 32,800, शाबाश बी इज राइट आंसर। बोलो बच्चे क्या आंसर आएगा, बी इज राइट आंसर। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, बी इज राइट आंसर। सारे के सारे बच्चे बताओ, इंस्टॉलमेंट वाली बात याद है ना, इंस्टॉलमेंट वाली बात सब दोस्तों को याद है। अगर मैंने कोई कर्जा आपसे ले लिया इंस्टॉलमेंट पे, कर्जे पे, अगर आपने मैंने आपसे मैंने कोई कर्ज ले लिया, ब्याज की रेट कितनी है 5% पर है ना, मैं और मैं बोला भी 2 बराबर वार्षिक किस्तों में दे दूंगा, तो सोचो 1 साल बाद जो मैं पेमेंट करूंगा उस पे तो ब्याज केवल 1 साल का रहेगा, 5% का मीनिंग 1/5/100 या 1/20। तो बोलो प्रिंसिपल टू अमाउंट, पूरे सीआई के अंदर एक ही बात कराइए, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। तो बताओ 20:21 प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 20:21 बनेगा। अगर कोई पैसा मैं 2 साल प्रयोग करूंगा, अगर कोई पैसा मैं 2 साल यूज करूंगा तो वहां प्रिंसिपल टू अमाउंट का पैसा क्या बनेगा, 2 साल का। कोई दोस्त मना ना करे, 2 साल का कितना हो जाएगा 20:21। बोलो भाई पहले साल 20:21, दूसरे साल 20:21, सबको पता है सक्सेसिव कैसे लगेगा, गुणा करेंगे 400 से 441। बोलो चलेगा ना, 2 साल का कितना बनेगा 400 से 441। हाँ सब दोस्तों की 20:21 और 400 से 441, तो 820, 17,640 वैल्यू किसकी, एक किस्त की 441। बताओ पैसा कितना लिया था, 820। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, सारे के सारे बच्चे आंसर फेंक के मारेंगे। बोलो हाँ सब दोस्तों की, बहुत ही गजब शाबाश, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिए हुए थे आज। मान लो x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेष पर नहीं आता, तो x के अंकों का योगफल बताओ। अनअकैडमिक रैंकिंग 6 ऑन फ्री हिट, अनअकैडमिक रैंकिंग 6 ऑन फ्री हिट, मतलब ऐसा नंबर इन सम से डिवाइड करने पर 3 शेष आता है, परंतु वो नंबर जो है 9 से पूरा भाग होता है। अगर वो नंबर 9 से पूरा भाग होता है तो उनके अंकों का योग बताना है। सबको पता है 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। आप ये बताइए क्या 22 9 से भाग होता है, नहीं भाई। क्या 21 9 से भाग होता है, नहीं। क्या 24 9 से भाग होता है, नहीं। क्या 18 9 से भाग होता है, इसको बोलते हैं अनअकैडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट। शाबाश सी इज राइट आंसर, अनअकैडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट। सारे बच्चे एक बार बोल के बता दो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सारे बच्चे बोलो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योग। कोई बच्चा मना ना करे, अंकों का योग, अगर अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। बोलो हाँ ना भाई, अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, 18 जो समय पक्का 9 से डिविजिबल होगा। बोलो सही में तो सारे बच्चे, x सम बहुभुज का अंत्यकोण और बाह्य कोण का 108 अधिक है,
अंते कौन भाई, ये कौन से 108 है? देखिए तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ, एक बात बताओ, अंतर हो गया। सब दोस्तों को पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। कोई भी बहुभुज उसके आंतरिक और बाह्य कोणों का जोड़ 180 होता है, जोड़ 180 होता है बच्चे, और अंतर कितना होता है 108। मैंने कहा था कई जगह ये काम आएगा कि मेरी और आपके पास 180 रुपए 108 का अंतर है, मेरी और आपकी टोटल एज 180 है और अंतर 108 का है। एक बार बड़े का आधा करना, 180 का आधा हो गया 90, और एक बार छोटे का आधा करना 54, एक बार इसमें 54 जोड़ दो और एक बार इसमें 54 घटा दो। बोलो बच्चे हाँ, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करेगा। आंतरिक कोण होगा 4 और 9 और एक 10, 144 का। बाह्य कोण कितने का हो जाएगा? 36, 36 डिग्री का। बोलो सहमत हो ना। अब बाह्य कोण सबको पता है, 360 डिवाइड बाय बाह्य कोण करोगे नंबर ऑफ साइड आ जाए, कितने साइड है? बोलो बच्चे 10 साइड है। किस किस को याद है जो मेरे पास पढ़ा हुआ है? कोई बच्चा मना ना करे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, कोई दोस्त इस बात के लिए मना ना करे, आंतरिक प्लस बाह्य का जोड़ 180 होता है, 180 होता है। चाहे कैसा भी पॉलीगन क्यों ना हो, चाहे कैसा भी बहुभुज क्यों ना हो, आंतरिक प्लस बाह्य कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, 180 होता है। हाँ है ना, कोई बच्चा ना मना ना करे, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जोड़ 180 होता है, 180 होता है। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 108, 108 का है। तो एक बार इसका आधा, 180 का आधा कितना हो गया 90, 108 का आधा कितना हो गया 54, एक बार 54 इसमें जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो एक जोड़ आ गया 144, एक आ गया 36। बाह्य कोण जब भी आ जाए 360 डिवाइड बाई ये करेंगे, अपने आप नंबर ऑफ साइड आ जाएगा। सब दोस्तों को इसका लॉजिक बताया हुआ है, अति महत्वपूर्ण बात है। पेपर में बार बार ये चीज पूछता है, पेपर में बार बार ये चीज पूछता। आज सीजीएल का बहुत ही गजब के कंसेप्ट लिए थे, कोई बच्चा इस बात के लिए कभी भी मना ना करे। साइंस के 5, 10, 15 जिसके जोड़ 90 होता है, जिनकी जोड़ 90 होता है उनकी शादी करवा दो। इतनी अच्छे ढंग से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बात बताई, जिसका जोड़ 90 होता है उनकी शादी हो जाएगी। 5 के साथ किसका जोड़? 85 के साथ। 5 के साथ किसका जोड़ करना पड़ेगा? साइंस के 85 तक लो, बाकी मत छेड़ोगा 85 तक लो। बंदे कितने बताओ बच्चे? 5 से 85 कितने बंदे हो जाएंगे? 5-5 का डिफरेंस है ना, तो लास्ट वाले बंदे को 5 से भाग किया, 17 बंदे हैं। अब 17 बंदे, 2 बंदे चाहिए शादी के लिए, 17 बटा 2। और सब दोस्तों को पता है साइन 91 1 का स्क्वायर 1, ये आपका उत्तर आ जाएगा। 17 बटा 2 कितना होता है? 8.5, 9 आपका आंसर फेंक देगा। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। इतने गजब की बात बताई थी, इतने गजब के ढंग से बताई थी। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस स्क्वायर वाला और कोस स्क्वायर वाला। जिनका जोड़ 90 होता है उनकी शादी हो जाएगी, जिनके 90 गुण मिलते हैं उनकी शादी हो जाएगी, शादी होके वो एक हो जाएंगे। बोलो भाई सही है ना, दो बंदे शादी करके एक हो जाएंगे। साइंस स्क्वायर 5 और साइंस स्क्वायर 85, 5 की शादी किससे होगी? 85 से। ऐसे बताओ 5-5 का अंतर है तो बंदे कितने हो गए? 17। एक शादी के लिए दो बंदों की जरूरत होती है, तो 17 बटा 2, साइन 91 था, तो 9.5 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो भी सहमत हो। चलिए ये तो अच्छे क्वेश्चन रखे राजेश वाला, आप आगे करेंगे, कल करेंगे। अभी सारे के सारे दोस्त एक काम करना बच्चे, 10 बजे यूपी ट्रिपल एससी कैसे कैसे कंसेप्ट करना है बहुत ही बिंदास तरीके सुनो। अभी 10 बजे हम मिलते हैं 10 AM पे, सारे के सारे दोस्त। अभी मैं क्लास आपको देता हूं, शेयर करना 10 AM यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के लिए। कैसे डीआई पार्ट आता है, कैसे बाकी जो कंसेप्ट आएगा वही डीआई पार्ट की तरीके से उड़ाया जा सकता है। मैथ में अति महत्वपूर्ण है, पूरे के पूरे नंबर लेने के लिए ये अति महत्वपूर्ण चीज रहेगी। बट उससे पहले ये वाले जो उसको तो शेयर करना ही करना, इस वाली क्लास को अभी एक बार फिर अपने मैक्सिमम दोस्तों तक फेसबुक पर एक बार अभी शेयर करके आ जाओ बच्चे। आज का गजब का फेस्टिवल है, ठीक है ना, गजब का फेस्टिवल बहुत ही बिंदास बनाना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अभी 10 बजे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।